पटना अगमकुआं थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर 5 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। पटना से सनोवा खान की रिपोर्ट। पटना सिटी अगमकुआं थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते रात भूतनाथ पानी टंकी के पास से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के अनुसार अपराध करने की योजना बना रहे थे। इसकी सूचना अगमकुआं थाना अध्यक्ष को मिलते ही अपने दल बल के साथ पहुंचकर तलाशी लिया गया, तो तलाशी के दौरान 9 कारतूस, 3 देसी कट्टा, 5 मोबाइल एवं 2 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अपराधी का इतिहास पहले भी आपराधिक इतिहास रह चुका है, पहले भी जेल जा चुका है। 5 अपराधी में से 4 अपराधी नालंदा जिले के हैं। तो अपने हमको लगता है लेकिन दस वो किसी से क्या होने चलेगा और वो ये दस को चाहिए क्या सर। 5 अपराधियों को कल गिरफ्तार किया गया, क्या है पूरा मामला सर? कल गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के भूतनाथ पानी टंकी के पास कुछ अपराधकर्मी अपराध करने के लिए जमा हुए हैं, योजना बना रहे हैं। इस सूचना के जांच सत्यापन अवश्य करावे हेतु 7 के बल के साथ वहां पहुंचा गया और वहां पानी टंकी के पास से 5 लोगों को 2 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से 9 जिंदा गोली और 3 देसी कट्टा बरामद हुआ है। सर इनका पहले जो पकड़ा है इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है क्या? जी, इसमें से 4 लोग नालंदा के हैं और उनका आपराधिक इतिहास रह चुका है। वे लोग पहले भी जेल जा चुके हैं और आज भी यहाँ किसी व्यवसायी को लूटने के लिए इकट्ठा हुए थे। सर बताया इन लोगों ने कुछ कि यहाँ किसको लूटने आया था, किसकी हत्या करनी थी, ऐसा कुछ बताया किसी? हत्या करने की बात तो नहीं बताया, यहाँ लूट करने की बात बताया कि भूतनाथ रोड में एक व्यवसायी को लूटने आए थे।